अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि चारू जब देव से मिलने के लिए जाती है तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या हम एक साथ गणगौर मना सकते हैं इस साल, और देव मान जाता है। लेकिन तभी देव की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम फिर से चारू से एक भी बार मिले तो तुम अपने बेटे का मुंह कभी नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें उससे कभी नहीं मिलने दूंगी ज़िंदगी में। और यह सुनकर चारू डर जाती है, वो कहती है ठीक है मैम, आज के बाद मैं देव सर से कभी नहीं मिलूंगी। इधर घर पर जब नौकर मनीषा को सामान की लिस्ट लाकर देते हैं तो वो उनसे पूछती है कि यह लिस्ट किसने बनाई थी। वो उन्हें बताते हैं कि यह लिस्ट रूही ने बनाई थी, और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि वो लेटर रूही ने ही लिखा था आई लव यू वाला, जिस पर लिपस्टिक के निशान भी थे। वो ये बात अपने हस्बैंड को भी बताती है, लेकिन वो उसे सच बताने से रोक देता है घर वालों को। वो कहता है कि पहले हमें कोई पुख्ता सबूत लाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, हम ऐसे ही इतना बड़ा इल्ज़ाम रूही पर नहीं लगा सकते। और मनीषा सबूत जुटाने में लग चुकी है।